हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं हरिद्वार के ही एक आश्रम में जिसका नाम है सदानंद जी परमहंस आश्रम। यहाँ प्रभु सदानंद जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आइए आप भी देखिए इस आश्रम की सुंदरता और जन्मोत्सव में क्या क्या करते हैं, क्या क्या हुआ है, आप भी देखिए। तो हम यहाँ से हमने मेन गेट से एंट्री ले ली है और हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा हरा भरा, सब ग्रीन बहुत अच्छा है यहाँ पर और बिल्कुल शांति। यहाँ पर देखिए बोर्ड भी लगे हुए हैं जिन पर बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स लिखे हुए हैं। और यह यहाँ पर गेस्ट हाउस है। और अगर हम इधर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आप, ये शायद नींबू का पेड़ है, लेमन, और आगे भी है। ये सीधा आश्रम की ओर जा रही है रोड। और देखो कितना सुंदर लग रहा है सब। बहुत यहाँ पर साफ़ सफाई रखी हुई है, बहुत ध्यान से सब पेड़ पौधों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा हुआ है। और यहाँ पर ये चीकू का पेड़ है। यहाँ पर देखो आप, आम भी लग रही हैं। ये देखो कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर आपको हर वैरायटी के फ्लावर्स मिल जाएंगे, सब्जियाँ मिल जाएंगी। और हम इधर जा रहे हैं तो ये मतलब यहाँ पर किचन है और यहाँ पर फिर बैक साइड में खाना बैठ करके भोजन जो है दिया जाता है। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही हूँ कटहल का पेड़, यहाँ पर कटहल हुए लगे हुए हैं। और ये हैंड वॉश करने के लिए, हाथ धोने के लिए। ये पर यहाँ पर ये दिए लगाने के लिए तैयारी की जा रही है। पूरे आश्रम को दिए से सजाया गया था और शाम होने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था। जो अभी आपने देखी है, यहाँ पर संचालिका हैं, बहुत ही अच्छा इनका नेचर है, बहुत प्यार से बात करती हैं, सबकी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और ये हमारे यहाँ पर बुआ जी हैं, देखिए दिए लगा रही हैं घी से भरे हुए। और ये भी हमारी नेहा दीदी, ये बिंदु बुआ जी हैं, ये भी आंटी हैं, मैं नहीं जानती हूँ और मैं वीडियो बना रही थी तो मैं नहीं दिख रही हूँ इसमें। और ये सब ही आश्रम में रहने वाली दीदियाँ हैं सब दीदी। और ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर रहने के लिए, रूम्स बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये आरती के टाइम की है जब शाम को हो गया था। ये मंदिर बहुत सुंदर सजाया हुआ था और यहाँ पर ये कीर्तन हो रहा है, भजन गीत सब हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और देखिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पर सब। यहाँ पर भजन गीत गाए जा रहे थे। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर इतना सब कुछ होगा और इतना अच्छा मतलब मुझे लगेगा। बहुत ही अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम गई हूँ। और मैं आपको भी कहना चाहूँगी, आप भी बिल्कुल जाइएगा जब भी आप हरिद्वार आएँ, और जो हरिद्वार में रहते हैं वो भी जाएँ। बहुत ही अच्छा, बहुत साफ़ सफाई, बहुत ही मतलब वर्ड्स नहीं है कहने के लिए, इतना अच्छा यहाँ पर मुझको लगा। आप भी ज़रूर जाइएगा जब भी आप हरिद्वार आएँ या रहते हैं। ये शाम का टाइम है जब दिए लग गए थे तो यहाँ पर एक परिक्रमा की जाती है। ये वही हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर सब दिए लगा रहे हैं, सब एक एक कैंडल ले लेते हैं और सब फिर यहाँ पर दिए लगा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा जगमगा रहा था आश्रम पूरा अच्छी तरह से, देखिए। और यहाँ पर सब कर रही हैं, सब आ रही हैं अब धीरे धीरे से। बहुत अच्छा लगा यहाँ की जो एक एक चीज, मतलब बहुत डीपली भी अगर आप देखते हैं तो बहुत कुछ इतना सुंदर बनाया हुआ है, कोई भी कुछ है ही नहीं, इतनी शांति है यहाँ पर। ये मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, देखो ऊपर से आप कितना ग्रीन है, कितना मतलब यहाँ पर जो भी है सब बहुत
प्लांट्स जो लगाए हुए हैं, पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगाए हुए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, सब यूज़फुल, सब बहुत अच्छा है। ये थर्ड फ्लोर है एक्चुअली, ये वाला जहाँ पर मैं भी आई हूँ ये थर्ड फ्लोर है, जो भी आपने इससे पहले देखा वो सेकंड फ्लोर था, और यहाँ से ये पूरा दिख रहा है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये ऊपर से पूरा इसके पीछे जंगल है, राजा जी नेशनल पार्क पूरा अटैच है आश्रम की दीवार से। ये हम ऊपर थे, आए थे घूमने के लिए, और ये यहाँ पर महाराज जी का जो कक्ष है जहाँ पर महाराज जी सोया करते थे, और ये यहाँ पर है, यहाँ पर भी हम दिए लेकर के आए थे लगाने के लिए, कक्ष में रखने के लिए, और फिर हम बाहर आए तो हमने ये सब देखिए कैसे पीछे पूरा जंगल है। यहाँ पर जो जंगली जानवर होते हैं सब आते हैं रात को। ये ऊपर जब हम जा रहे थे तो सारा ये ऊपर का है, और ये किचन आ गया है, हम नीचे आ गए थे, ये किचन है जहाँ पर सब भोजन बनता है। यहाँ पर बैठ करके दरिया बिछा करके फिर खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, प्रसाद मिलता है। जन्म महोत्सव वाले दिन हमारा व्रत था तो हमको प्रसाद में यही था। अब यहाँ पर बाहर सब लोग बैठे हुए थे, फिर इसके बाद यहाँ पर आरती हो रही थी, गीत संगीत भजन सब हो रहा था, यहाँ पर आरती हो रही है, सब लोग बारी बारी से अपनी आ रहे थे और आरती कर रहे थे। यहाँ पर देखिए सबको मौका मिल रहा था, ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कोई करेगा, सब कर रहे थे। और बहुत अच्छा लगा, आरती हो रही है, देखिए आरती हो रही है, सब भजन गा रहे थे, तालियों की गूंज हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर जिनको गीत भजन खुद किसी को पसंद है, कोई गाना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ की सुंदरता, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है सब। मैं कहूँगी कि आप भी जरूर आए, जरूर देखें, और मौका ना गवाएं, जब हरिद्वार आएं आप सब आश्रम में जाएं, यहाँ भी आएं। और ये एक मात्र ऐसी जगह मैंने अभी तक देखी है जहाँ पर कोई दान पेटी नहीं है, कुछ डोनेशन या कुछ अगर आप डोनेट करना चाहते हैं कुछ नहीं यहाँ पर रखा हुआ है कि आप पैसे चढ़ाएं या कुछ चढ़ाएं। अगर आपका मन है आप फ्रूट्स वगैरह या कुछ स्वीट्स लेकर के जा सकते हैं अपने मन से, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि दान दक्षिणा चढ़ानी है देनी है, ऐसा नहीं है। और देखिए सब आरती कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, सबको अच्छा लग रहा था जन्मोत्सव पर। देखिए ये माता जी डांस करने लग गई थी, बहुत अच्छा लगा। खैर जो सच्चे मन से पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, उनकी के लिए सब अच्छा ही होता है।
यहाँ पर मैं आपको पूरा सब दिखा रही हूँ। आप भी जरूर आए यहाँ पर देखने, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जितना हम ज्ञान के अंदर जाते हैं ये उतना ही डीप है, कोई नहीं समझ सकता। सब भगवान की लीलाएं हैं। चारों तरफ से आपको दिखा दिया है जो मेन मंदिर है, देख लीजिए आप भी घर बैठे हुए। जब मौका मिले आप भी जरूर आना, देखिएगा फिर आप भी आकर के। यहाँ पर भजन चल रही है अभी सब। मन शांत हो जाता है ऐसी जगह अगर आप जाते हैं, मन को शांति मिलती है। फालतू की चीजों में ध्यान हटता है वहां से। और अगर आप भी धार्मिक जैसी चीजों में अपना दिमाग लगाएं तो आपकी भी मन की शांति आपको मिलेगी और आपका भी ज्ञान जरूर बढ़ेगा। के सब अपना यहाँ पर कर रहे हैं, भजन चल रहे हैं, आरती चल रही है, जा रही हैं आरती। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।